रेड एफएम सुन रहे हैं आप, मॉर्निंग नंबर वन चल रहा है। मेरा नाम काव्य, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 9:11:56 समय इस वक्त हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले टीचर्स को हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को ये अवार्ड मिलेंगे। इनमें से एक है कालसी देहरादून में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सुधा पन्यूली जी। अच्छी बात यह है कि लगातार दूसरी साल है जब देहरादून से किसी टीचर को ये अवार्ड मिलने जा रहा है। पिछले साल रमेश वडोनी सर को मिला था और वो हमारे स्टूडियोज में आए थे, आपको ध्यान भी है। इस वक्त है सुधा पन्यूली जी मेरे साथ में हैं। जी नमस्कार। देहरादून, मैं सुधा पन्यूली, वाइस प्रिंसिपल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार टीचर्स को जो मिलता है उसके लिए मेरा नाम फाइनल हुआ है और आज आप मुझे सुन रहे हैं आरजे काव्य के साथ रेड एफएम पर। जी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। अवार्ड पाके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है जब आपको एक लंबी सर्विस के दौरान किए गए कार्य का प्रतिफल इस रूप में मिलता है। जी। तो अच्छा लगने के साथ साथ इंस्पिरेशन मिलती है आगे और करने की, और हम समाज के लिए बीइंग अ टीचर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है में क्या कर सकते हैं, क्योंकि करने की कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार के जब अवार्ड्स मिलते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और खुद को भी और बाकी साथियों को भी। राइट, तो क्या क्या चीजें इसमें परखी जाती हैं? यही देखा जाता है शायद कि अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर ड्यूटी एज ए टीचर, उसके अलावा आपने समाज के लिए या बच्चों के लिए और क्या किया। मैंने अपनी जॉब के फर्स्ट 14 ईयर्स उत्तराखंड के इंटीरियर्स में सर्व किए। यहाँ पर फिर मैंने कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट अप्लाई करे, वो है एकलव्य बर्थडे गार्डन। बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको एक समरूपता यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने कहा कि हर बच्चे को मोटिवेट किया कि अपने जन्मदिन के नाम पे एक पौधा लगाओ विद्यालय कैंपस में। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस समय बताने में कि मोर देन 200 फ्रूट और मेडिसिनल प्लांट इस समय हमारे विद्यालय कैंपस में है, तो बाकी भी मोटिवेट होते। बहुत जबरदस्त और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इस वक्त अगर कोई और टीचर सुन रहा है तो भैया आपके पास भी मौका है अगली दफे के लिए, कोशिशें जारी रखिए क्योंकि आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। समाज को एक नई दिशा देने का काम जो है वो टीचर ही करते हैं और खासकर बच्चों के साथ इसकी शुरुआत हो तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। धन्यवाद, रेड एफएम बजाते रहो।